एक्सप्लोर करवाऊंगा। चैनल डायर और हम अपना बैग भी कैरी करें। एंड तक जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह होपफुली यू विल एंजॉय दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद मी एंड इट्स ऑसम एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज वर्ल्ड। थैंक्स, इन्होंने 1 kg मुझे छोड़ दिया। सो फाइनली चेक इन कर लिया हुआ है, बोर्डिंग का प्रोसेस है, चलते हैं आगे। अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू विजिट द स्मार चैनल। एंड विजिट द स्मार चैनल की तरफ से सबको ईद मुबारक दुबई से। पाकिस्तान में मैं ईद करने जा रहा हूँ। राइट नाउ आई एम इन दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1। सो आपको टर्मिनल 1 का भी व्यू करवाएंगे। ये सामने मेट्रो स्टेशन है और ये ट्रॉलीस, इसमें आप अपना लगेज कैरी कर सकते हैं। और चलते हैं अंदर, टाइम शॉर्ट है। मैं पहले वो डिले लग रहा है मुझे, जैसे मैं डिले हो गया हूँ। एंड तक जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह होपफुली यू विल एंजॉय दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद मी एंड इट्स ऑसम एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट। और न्यू एयरपोर्ट भी बन रहा है, बट यहाँ का व्यू एंड एम्बियंस इज ऑसम। चलते हैं अंदर, अंदर जाके आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। यहाँ पर अपनी फ्लाइट का स्टेटस देखते हैं। सरीन एयर चेक इन ओपन, सो चेक इन नंबर 5। चलते हैं अंदर। सर चेक इन नंबर 5। लॉन्ग क्यू लगी हुई है यहाँ पर। ओह माय गॉड, वो काउंटर पर लगा। बहुत लॉन्ग क्यू है और लग रहा है जैसे कि मुझे पूरी क्यू में मोर देन 1 आवर लगेंगे क्लियर करने में। यहाँ पर ये भीड़ को देखकर एक फेमस डायलॉग याद आ रहा है चांद नवाज का, कराची से दुबई से लाहौर पाकिस्तान, पाकिस्तान से नहीं दुबई से पाकिस्तान। ईद बनाने के लिए लोग अपनों से। अरे क्या भाई, कब पहुँचेंगे क्या भाई। चेक इन कर लिया हुआ है आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल। ये मेरा बैग है 21 kg का। मैडम थैंक्स, इन्होंने 1 kg मुझे छोड़ दिया। सो फाइनली चेक इन कर लिया हुआ है, बोर्डिंग का प्रोसेस है, चलते हैं आगे। तो फाइनली मैंने चेक इन कर लिया है। सो ये लुक देखें आप, एमिरेट्स। सर टर्मिनल 1 इतना खूबसूरत है तो आप टर्मिनल 3 एक्सपेक्ट करेंगे कितना खूबसूरत होगा। एमिरेट्स हो गई और बोर्डिंग के एरिया में वीडियो बनाना अलाउड नहीं थी, एंड दैट्स व्हाई दुबई सिक्योरिटी लेवल इज ऑसम, नंबर 1 सिक्योरिटी लेवल। सो ये आप देख करवाने के बाद अब प्लेन को पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमारा रूट मेट्रो होगी। तो मेट्रो आ गई है और कैरी करनी है लाजमी, थोड़ी पकड़नी है। एंड
Passengers are reminded that boarding gate information will be posted 90 minutes prior to flight departure. Please consult the flight information screen. والتأكد من أخذ كافة المتعلقات الخاصة بكم. تي جايز जैम पैक फ्लाइट्स जा रही हैं और टॉप पे लाहौर, सबसे पहले पाकिस्तान का नंबर आ रहा है लाहौर का। सो फाइनली अब मैं ड्यूटी फ्री को आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा। दुबई ड्यूटी फ्री वन ऑफ द अमेजिंग, वन ऑफ द फेमस, वन ऑफ द दुबई फेमस प्लेस इन एयरपोर्ट। ना बैग को भी कैरी करना है भाई, बड़ा मुश्किल है। मिस्टर यार, अरमानी फाइनली एयरप्लेन की तरफ जा रहे हैं। अब दुबई ड्यूटी फ्री को एक्सप्लोर करने के बाद उसकी मैंने एक सेपरेट व्लॉग की एक वीडियो बना ली है और ये यहाँ पे भी आपको करेंसी एक्सचेंज। सवा 3 बजे की फ़्लाइट है, तो 2:45 नाउ, आधा घंटा है। माउंट ब्लॉक ड्यूटी फ्री की वीडियो लाजमी देखिएगा। बहुत खूबसूरत दुबई ड्यूटी फ्री का एरिया बना हुआ है और एमिरेट्स इज ऑसम, एमिरेट्स स्टेट इज ऑसम, एमिरेट्स एयरलाइन इज ऑसम, एवरीथिंग इज ऑसम। D16 गेट, D17, D19 की तरफ मैंने जाना है। अगेन एक लॉन्ग क्यू, दिस इज द फाइनल क्यू। और बताना भूल गया था आपको कि मैंने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट शो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो हुआ था उसका भी मैंने व्लॉग किया था, तो वो भी देखिएगा वीडियो में कंप्लीट चैनल में, उसकी भी कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, इंफॉर्मेटिव है इंटरनेशनल एयरपोर्ट शो। सो फाइनली पाकिस्तान आई एम कमिंग। फाइनली आई एम इन श्रीनगर और यहाँ से अब हम ट्रैवल करने वाले हैं जस्ट ऑफ 15 मिनट्स, तो गाँव में आ रखिएगा इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद लाहौर टूर में।